Good morning, Kushu. Good morning. Namaste. Lam Lam ji, मेरे बच्चा 11:10 हो चुके हैं। मेरी खुशी ने निन्नी ले ली, मैं भी ले ली है। अब खुशी को मैं बनाना खिलाऊंगी। मुझे कितने कंफ्यूजन हो रही थी, मेरी खुशी क्या खाएगी। मैं तो परेशान हो जा रहा, मेरी खुशी को भूख लगी होगी ना। खुशी 10 मिनट है मीटिंग शुरू होने में, आज 11:20 पे है। हम जल्दी से कान्हा जी को नहा के आते हैं, कान्हा जी को भोग लगाते हैं, पूजा करके आते हैं, ठीक है। देखो क्या बोली, वाओ आपकी ड्रेस हाँ नहीं है, साफ है। मामा और बेटी दोनों रेडी हो गए हैं और बहुत तेज की भूख लग रही है। मैं बहुत दर्द हो रहा है, बहुत भूख लग रही है, बहुत ही ज्यादा टम्मी एकदम खाली हो रखा है। तो फटाफट से जल्दी से पूजा करके आते हैं, फिर देखती हूँ कि क्या करना है। नहीं तो मैं भी सिर्फ बनाना ही खाऊंगी, क्योंकि इसको छोड़ के जाने का मतलब, चाहे एक जने के लिए बनाओ चाहे पूरी फैमिली के लिए बनाओ, टाइम तो उतना ही लगता है। और मत इधर खड़ी रहूँगी और फिर वो कहीं इधर उधर, देखो कैसे घूम रही है, शैतानी देखो, बड़ी हो रही है ना, शैतानी देखो इसकी, शैतानी देखो, शैतानी। ये देखो एटीएम कार्ड, इसकी बुआ का एटीएम कार्ड है ये। ओ खुशु, ये करती है कारनामे। मैं शिकायत लगा रही हूँ आपकी। अच्छा जय करो, चलो जय करो खुशु, जय करो खुशु, खुशु जय करो, कर दो ना जय। जय मेरा बच्चा, जय एक बार और कर दो, जय खुशु एक बार और जय कर दो, एक बार और जय कर दो ना। हर हर महादेव की जय। खुशु महादेव जी का है, जय हो मेरा बच्चा, बड़े बड़े हो जाओ खुशु, बड़े बड़े हो जाओ। ओके गाइस, पूजा के बाद मिलते हैं। आप चल रहे हो या मैं जाऊं? ये देखो, ये इतनी मेरे को बॉर्डर ऐसे करना पड़ता है, कितनी पिलो लगा रखी है कि इधर से पार ना करे। बट तो ये बहुत बहुत ही ज्यादा चालू बच्ची है, ये तो ऐसे भाग जाती है। चलो नोबिता, चलो खुशु, चलो चलो। कहाँ देख रही हो? देखते हो क्या, टुकर टुकर देखते हो क्या खुशु, टुकर टुकर देखते हो क्या चेहरा तेरा खुशु। माँ जय हो खुशु, धै की धै गुज धै की धै, ये मिश्र से मीठी बाता धारी मन है प्रेम गगर रसा खुशु 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 खुशु। कौन सा गाना गाऊं खुशु? चिन चिन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, बंदर भी आया, चूहा भी आया, चिन चिन करती आई चिड़िया खुशु। नानी तेरी मोरनी का मोर ले गया है क्या खुशु? आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे खुशु 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 खुशु। फैन कहाँ है, फैन कहाँ है, तुझे समझ नहीं आवई मेरी और बात, नहीं आवई नहीं मेरी और बात, कम जम खुशु खुशु खुशु। चलो मैं जाऊँ, बाय 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 खुशु, बाय। ओके बाय, ओके आई एम गोइंग, बाय खुशु, बाय। आ रहे हो? बाय बाय खुशु, खुशु बाय।
ये इतनी चलाक है ना, ये मुझे दिखाती है कि मैं गिर रही हूँ, मामा गिर रही हूँ, जल्दी जल्दी पकड़ो, देखो कैसे भाग के आना पड़ा मुझे। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते मेरी खुशी को अकेले, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। खुशू मामा को पारी कर दो, मामा को पारी कर दो, मामा को पारी कर दो ना। खुशू आप कर सकते हो, बस ज्यादा नहीं। थैंक यू बेटा, लव यू। मैंने मना कर रखा उसे किसी करने के लिए, हाथ टची टची करने के लिए, अभी छोटी है ना। आप थोड़ा थोड़ा करने लगते, आप करने देती हूँ थोड़ा थोड़ा, फैमिली मेंबर को तो सबको करेगी। मुझे ना पसंद नहीं है कोई भी ना किसी के भी बच्चे को ऐसे पकड़ के उसके कहीं पे भी किसी करने लग जाए। और उसके मैंने कितना देखा कि एक बार तो क्या बोलू मैं, मुझे बंद रखना बेटर है, बट ये ना क्या बोलूँ, नहीं अच्छा लगता है ना, मुझे टेंशन हो जाती है क्योंकि इन्फेक्शन का टेंशन रहता है, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो मैं तो चाहती हूँ, अब पूरे दिन तो वो घर पे ही रहती है, बट ये है ना कि अपनी फैमिली के पास रहती है, बट मुझे ऐसा लगता है कोई अननोन आएगा तो फिर पता नहीं कैसे हाथे क्या चीज़ें बाहर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे भी टच। एक दिन तो मैंने देखा एक पर्सन ने कुछ खा रहे थे, मुँह में था ऐसे करके, और आगे अपने वो एक झूठे गंदे हाथों से मेरी खुशी के ऐसे ऐसे हाथ लगा दिया। फिर एक ने आके एक फिर एक आंटी जी उन्होंने आके फिर ऐसे पकड़ के खुशू के एकदम मुंह पे मुंह कर दिया एकदम। मतलब कैसे बताऊँ, सोचने में भी अजीब है ना, जितनी भी मामा हैं वो अपने बच्चों को लेके ऐसे बताओ थोड़ा सा तो, मतलब केयरिंग साफ सफाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बाकी तो फिर अब देखो वो खेलती है, पूरी फैमिली को अच्छे से जानती है, मामा मामी को भी जानती है, अपने नाना नानी को जानती है, दादा दादी को तो ऑफकोर्स जानेगी, अपनी बुआ को सबसे ज़्यादा प्यार करती है। मैं बाहर की बात कर रही हूँ, स्ट्रेंजर लोगों की बात कर रही हूँ कि आए पहले, और आते एकदम से बेबी को नहीं लगाना चाहिए। मैं हर वीडियो में बार बार यही बात, मतलब लाइक इन द सेंस कि कैसे बताऊँ, जितनी भी मम्मा है ना वो सब रिलेट कर सकती हैं। बाकी तो पहले का समय और अब के समय में बहुत फ़र्क है। बाकी तो अब देखो खेलती है कूदती है कैसे भी, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अब ज़्यादा वो भी नहीं करती, बस जब छोटी थी ना तभी ज़्यादा करती थी। अब तो मेरी खुशी बड़ी हो गई है, 1 साल की पूरी हो गई है ना, तो इसलिए अब खुशी को बड़ी हो रही है, उसका स्टैमिना भी स्ट्रांग हो रहा है, तो इसलिए अब उसको ज़्यादा मैं इधर उधर खेलने देती हूँ मिट्टी में भी। अब वो इतनी फेमिलियर हो रही है कि अब वो अपनी जानने लग गई है सबको, कोई भी आता है तो वो पहचान जाती है, चली जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम मुझे इससे है, गंदे हाथों से एकदम टच कर लेना, किस कर लेना, उसमें मुंह पे मुंह लगा लेना बस, और ये तो हर मम्मा का रहता है। तो हूँ मैं फंसी मम्मा हूँ तो, बट क्या जब बड़ी हो जाएगी तो फिर थोड़ी ना इतनी प्रॉब्लम होगी, अभी छोटी है ना इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बट अब तो मैं बहुत ज़्यादा लीनियंट हो गई हूँ, अब इतना ज़्यादा नहीं करती। बट यस मुझे ना मेरी एक भाभी है, उन्होंने मुझे बोला था कि ऐसा नहीं है कि तुम काम कर रही हो वर्क कर रही हो तो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देना, बहुत ज़रूरी है, इग्नोर नहीं करना अपने बच्चे को। तो वो सारी चीज़ों को अप्रिशिएट किया, तो उनकी बात मुझे बिल्कुल करेक्ट लगी। तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं है कि मैं काम में और फिर आने के बाद फिर मैं कमरे की सफाई कपड़े और उन्हीं में लग जाती हूँ, फिर कपड़े तय करने में मेरा पूरा दिन उन्हीं में निकल जाता है। फिर मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि मैं ऐसा तो नहीं अपनी बेटी को सही में इग्नोर कर रही हूँ। तो उस दिन से फिर मैंने थोड़ा ध्यान देना और ज़्यादा शुरू करा कि मतलब उसको खाना टाइम पे खिला दूँ, उसका ध्यान रखूँ। सर आप लोग क्या कहते हो, बाकी सारी फंसी मम्मा क्या मैं गलत हूँ सही हूँ ना? बाकी तो अब देखो बस थोड़ा देखना पड़ता है, देखो कहाँ बैठी हुई हूँ, देखो ऐसे, इसलिए सारे बेड को ना ऐसे कवर करके रखना पड़ता है, पूरा इधर दीवार से टच करना पड़ता है, वो एसी के बटन में चली जाती है बार बार, ध्यान देना पड़ता है। तो मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि उसमें लिखा हुआ था कि अगर जहाँ पे भी आप एकदम लीनियंट हो गए, मतलब बिल्कुल फ्री हो गए, तो वहीं पे आपने अपने बच्चे के लिए थोड़ा रिस्क क्रिएट कर दिया कि आप छोड़ के कुछ काम करने लग गए, इधर उधर चले गए, तो बच्चा उस समय क्या करता है हमें कैसे पता चलेगा, ध्यान देना पड़ता है। इसलिए तभी मैं उसके पास बैठना पड़ता हूँ, मुझे हर चीज़ में तो उसको देख देख के कर रही हूँ। और मुझे दिखाने के लिए पता है वो क्या करेगी, बेड से आएगी और एकदम भागते 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 एकदम ऐसे गिर जाती है फट से, और मेरे को दिखाती है, वो नॉटी भी हो रही है बहुत। खुशू चलो बेटा चलो, खुशू अपने दादा दादी को मिस कर रही है। खुशू बुआ कहाँ है, खुशू बुआ कहाँ है, खुशू बुआ कैसे करती है, बुआ खुशू बुआ कैसे करती है। आज तो बुआ को ये वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी। खुशू बुआ कैसे करती है,
बुआ कैसे करती है, बुआ कैसे करती है, बता दो कोई बात नहीं, बुआ कैसे करती है खुशू, खुशू अभी मैंने पूछा तो बुआ कैसे करती है आ, जब उसकी दादी ने पूछा तो करी ऐसे, खुशू बुआ कैसे करती है, बुआ कैसे करती है, इसको बहुत नॉलेज है कैमरा का इसलिए बोल दे रही है, अभी इसने इतना बोला, मैंने बोला बुआ कैसे करती है हाँ, और अभी क्या बोलती हाँ हाँ क्या कर रही हो ए खुशु बैठ कौन है बटन में जा रही है वैसे तो बट फिर भी अच्छा खुशु बुआ कैसे करती है, खुशु बुआ कैसे करती है, खुशु अच्छा खुशु 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 तुझे समझम नहीं आ मैं जय हो, खुशु बुआ कैसे करती है, खुशु पापा कैसे करते हैं पापा, अच्छा गाना गा के सुनाओ, गाना गा के सुना पापा 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 पा सुना सुना दो ना, पापा कैसे करते हैं खुशु खुशु मेरी बात नहीं मानती है, नहीं मानती है खुशु, हम जानते हैं आप कौन, खुशु हम जानते हैं, अच्छा जब मैं इसको सच में डांटती हूँ ना तब ये मेरे को हंसाती है, डैटमो देखो मस्का लगाने आ गई, डैटमो अच्छा बताओ बताओ बुआ कैसे करती है, करती है कुछ बुआ कैसे करती है बता दो ना, अच्छा खुशी बोल दो बोल दो, खुशी बोल दो, नमस्कार दोस्तों आज सब कैसे हैं, हेलो आज सब कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, बाय बाय खुशी, बाय बाय बोलो खुशी, बाय बाय बोल दो, बाय बाय खुशी, बाय 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 कर दो, देखी दे देख देखी दे Love you all. Bye. Namaste. पारी कर दो सबको, पारी कर दो, ऐसे कर दो वीडियो पे कर दो, ओ सो बज चुके हैं ऑलमोस्ट 2:30, ढाई बज चुके हैं और बहुत तेज भूख लग रही है क्योंकि खुशबू मुझे छोड़ नहीं रही है और बारिश हुई थी तो ग्रोफर से भी कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे भैया उन्हें भी कॉल कर रही हूँ वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे, ब्लैंकेट से भी कर लिया सब ऑर्डर, 8 घंटे का बाद दिखा रहा है, भूख अभी लग रही है तो सुबह से सिर्फ ब्रेड खाई हुई है, तो अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं और खुशू जा रहे हैं बाहर मार्केट में, खुशू के लिए लेंगे पार्ले जी बिस्किट क्योंकि खुशू को भी मैं उसको छोड़ के जा ही नहीं पा रही, तो मैं कुछ किचन के लिए बनाने जा नहीं पा रही हूँ, ये तो सोएगी तब बना सकती हूँ, उठ के तो वो मेरे पीछे पीछे जा रही है और एक हाथ पे पकड़ के दूसरा काम नहीं हो पा रहा है, वो मेरी खुशू मेरी स्वीटी पाई मेरा बाबू, तो हम जा रहे हैं बाहर और फिर लेके आएंगे, फिर मम्मा फिर खाना बनाएगी फिर खाएंगी और खुशू के लिए पार्ले जी लेके आ रहे हैं, फिर खुशू के लिए ओट्स बनाऊंगी, ठीक है ओके चलो बाहर चलते हैं, चलो लव यू बोल दो सबको, लव यू